हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओपन और प्रॉफिट में। फटाफट थोड़ा सा मार्केट का वापस से जायज़ा लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है। BTC की जो प्राइस है नियर अबाउट 35,500 के आसपास गई थी, 36,000 के आसपास चल रही थी। अगेन फ्लक्चुएट कर रही है इन बिटवीन, और देख के क्लियर कट लग रहा है कि मार्केट में अच्छा खासा बेरिश माहौल है। आगे कंटिन्यू करूँ, BTC के बारे में बताऊंगा कि कौन सा एक ऐसा लेवल है जहां पे हम कह सकते हैं कि दिस कुड बी ए कैपिटुलेशन जोन लेवल, जहां पे माल को उठाया जा सकता है। क्योंकि राइट नाउ देखिए, BTC से अच्छा है, बहुत सारे क्रिप्टो मार्केट्स में चीज़ें अच्छी हैं, स्टॉक मार्केट्स में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जब माहौल गड़बड़ाता है तो अच्छी से अच्छी चीज़ को भी लोग उठाने से कतराते हैं। ओके, ग्लोबल सेंटिमेंट्स टोटली डगमगाए हुए हैं। ओके, और जो सामने चीज़ें आती हैं, दिखाया जाता है बैक स्टेज पे, उसकी हालत उससे कहीं ज़्यादा ख़राब होती है। फेड रेट, इंटरेस्ट रेट की हम बात करते हैं, उसकी हालत ख़राब है, इन्फ्लेशन हालत ख़राब है, यूरोपियन नेशंस, नेटो, रशिया, यूक्रेन, सब जगह हालत ख़राब है। ओके, और दूसरी जगह चाइना, ताइवान, उसमें हालत ख़राब है। श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी डगमगा गई है। तुर्की की बात करते हैं, उसमें और ज़्यादा उसकी करेंसी डगमगा गई है। ओके, तो चारों तरफ जो है ना हाहाकार मचा हुआ है इकोनॉमी को लेके। ओके, तो खैर ये सारी चीज़ चलती रहेंगी, और उसको देख के ही जो इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक जो होते हैं, वो भी देखते हैं कि भाई ठीक है, चीज़ सस्ती मिल रही है, बट हमको हमारा पैसा जलाना भी नहीं है। ओके, कि भाई और गिर जाएगा, एटलीस्ट थोड़ी सी इकोनॉमी सुधरती तो इसमें सोचते लेने के लिए। यहाँ पे आप ये मत देखो कि एलन मस्क ने क्या डाल दिया, वो तो उठपटांग चीज़ें ट्वीट पे डालते ही रहता है। ओके, ये डाल दिया, एपकॉइन को ऊपर किया, बाद में किया, नीचे किया, डॉजकॉइन को ऊपर किया, वो ये सब चलता रहेगा। ठीक है, तो उसके ट्वीट पर इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, और जब तक आपको उनको मालूम पड़ता है उस समय प्राइस काफ़ी अच्छा खासा ऊपर पहुँच जाता है, तो उसको कोशिश करो अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट, आप ये भी मत देखो कि भाई माइकल सेलर ने बाई किया तो हम भी खड़े रहेंगे। सेलर की एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो है 30,600, 30,600। इसकी एलन मस्क की जो एवरेज बिटकॉइन बाइंग प्राइस है, डेट इज़ नियर अबाउट 32,600 के आसपास। ओके, अब मैं आपको सबसे पहले BTC का चार्ट दिखाता हूँ, कैपिचुलेशन जोन क्या हो सकते हैं और कहाँ से एक वेरी पॉसिबल बाउंस बैक मिल सकता है, और कौन सा लेवल डगमगाने वाला लेवल हो सकता है, जो टूटा तो और हम नीचे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ऐप कॉइन की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आपको सामने चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है पिच फॉर्क जो होता है, उसको मैंने ड्रॉ किया है, एक स्टार्टिंग पॉइंट, टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट को पकड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऊपर का टॉप, दूसरा सेकेंड टॉप, नीचे का बॉटम, ये बॉटम। ओके, तो ये जो एक लेवल है पिच फॉर्क का, वो हमें बताता है 34,300 के आसपास एक सपोर्ट है। ओके, ये अगर सपोर्ट टूट गया तो इसको जो सपोर्ट एक मिल सकता है, जो हमने चार्ट से पहले भी देखा हुआ है कि जहाँ पे जब प्राइस आता है कैपिटुलेशन जोन कहलाता है, और वो है 200 वीकली SMA, सिंपल मूविंग एवरेज, या MA आप पकड़ सकते हो। तो पहले भी हमने देखा है कि जब मार्केट बहुत एक बेरिश माहौल के अंदर गया, नीचे गया, तो उसको एक सपोर्ट जो दिया है वो वीकली 200 ने दिया है। तो अगर हम एक सिनेरियो पकड़ते हैं कि भाई अगर मार्केट और गिरता है, ये पिचफॉर्क को भी तोड़ देता है, तो उसके बाद इसको जो एक सपोर्ट है, जो हमारा प्रीवियस जो एक नीचे BTC गया था वो 29,000 और 28,000 के बीच में एक तो वो है, और अगर वो टूटता है तो कहीं ना कहीं हमें एक विक ज़रूर देखने को मिलेगी जो 200 वीकली SMA के लाइन के आसपास आता है, जो नियर अबाउट 24,000 के आसपास आ सकता है इनकेस अगर गिरता है तो। बट अगेन मैं तो ये कहूँगा कि दीज आर वेरी गुड लेवल्स फॉर DCA। ठीक है, क्या पता प्राइस 28,000 भी ना आए, क्या पता प्राइस 24,000 भी ना आए, यहीं से ही पलटी मार दे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो जोन है 34-35 इज़ नॉट बैड इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर ए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। एक ये एंट्री बनती है, टूटता है अगर नीचे, तो माइंड में ये रखो कि हाँ मुझे री एंट्री लेनी है 28 या 29,000 के आसपास। यहाँ पे आपने सेकेंड DCA कर ली, फिर उसके बाद आपकी जो थर्ड DCA होनी चाहिए वो डेट वुड बी समवेयर नियर अबाउट 23 से 24,000 के आसपास। ठीक है, और फिर हम यहाँ से एक बाउंस बैक देख सकते हैं। चीज़ें देखिए, बहुत पहले भी एक बार वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि अगर प्राइस एक्शन जो है वो 200 डेली मूविंग एवरेज, यानी कि ये ब्लैक वाली लाइन,
इसको अगर तोड़ दिया ठीक है तो देर सवेर उसको नीचे आना ही आना है। ओके तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका प्राइस जब यहाँ पे एक बार तोड़ा था नीचे वीक आया था और उसके बाद से प्राइस जो वापस से चले गया था नियर अबाउट 51,000 के आसपास, तब वापस से लोगों ने कहा था भाई क्या हुआ आपके 200 डेली मूविंग एवरेज को, ठीक है ये तो हिट करके ऊपर निकल गया, लेकिन उसके बाद से ये वापस नीचे आया। ठीक है तो 200 जो होता है डेट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है इसको हमेशा यूज़ करो समझो। और देखिए यहाँ से ऊपर भी जाएगा तो 200 जो है विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। ठीक है तो समझिए क्या पूरा खेल है, ये लेवल है मेरे हिसाब से, तो भाई एंट्री बनती है फॉर DCA। मैं यहाँ पे ना ही स्कैल्पिंग बोलूँगा ना ही आपको लेवरेज ट्रेडिंग वगैरह बोलूँगा, कुछ नहीं बोलने वाला, बस आपको एक DCA की पहली एंट्री ये बताऊँगा, उसके बाद आपको 28-29 हज़ार और उसके बाद कैपिचुलेशन वाली जो जोन होगी डेट विल बी नियर अबाउट 23-24 थाउजेंड के आसपास। ठीक है तो ये था पूरा BTC का लेखा जोखा। वीकेंड्स का टाइम है, मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत आपको एक सुधार दिखा दे, लालच दे दे, फिर नीचे पलटी मार दे, ये सारे खेल चल सकते हैं वीकेंड्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐप कॉइन की बात करते हैं, और यहाँ पे डेली चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें अच्छा खासा एक ट्राइंगल पेनेंट बना हुआ है या सिमेट्रिकल आप ट्राइंगल कह सकते हैं। प्राइस अभी उसके नीचे है और इससे पहले जब नीचे आया था तब भी प्राइस ने ऊपर की तरफ एक उछाल लिया था। राइट नाउ यहाँ पे ए वेव कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद से बी वेव कंप्लीट हो चुकी है, सी वेव जो है उसकी यहाँ पे एक चढ़ाव हो सकती है, और अगर ये ब्रेकआउट लेता है जो ब्रेकआउट जो जोन होगा डेट विल बी नियर अबाउट $20 के आसपास होगा। राइट नाउ इसकी प्राइस चल रही है, राइट नाउ इसकी प्राइस जो चल रही है नियर अबाउट 13.3 के आसपास चल रही है। ठीक है तो $20 के आसपास यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो सकता है, दिस कुड बी ए वेरी गुड एंट्री इन एप कॉइन, क्योंकि अगर यहाँ पे स्टोकेस्टिक RSI को हम देखते हैं तो यहाँ पे एकदम बॉटम पे है, इसको मैं बड़ा करता हूँ यहाँ पे। ओके आप देख सकते हैं रेड और ब्लू जो है ओवरलैप की स्थिति के अंदर है और ये काफ़ी नीचे है RSI के अंदर, ठीक है बहुत ओवरसोल्ड हो चुका है, और यहाँ से अगर इसने पलटी लिया तो ऑफकोर्स एप कॉइन की जो हम वॉल्यूम देखते हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, BTC से ज़्यादा भी वॉल्यूम ये KU कॉइन के ऊपर दिखा रहा है। ओके तो अगर थोड़ा सा इसमें हरियाली आई बहुत ज़्यादा वापस से बाइंग इसके अंदर आएगी, और क्योंकि भाई एलन मस्क ने इसका नाम ले लिया है, उसने इसका नाम ले लिया है, तो ये अच्छा खासा एक दिखा सकता है। ओके तो ये एक रिस्की एंट्री हो सकती है एप कॉइन, बट उतना ज़्यादा भी ये रिस्की एंट्री नहीं हो सकती है क्योंकि इसकी कम्युनिटी भी काफ़ी अच्छी खासी एक बड़ी हो गई है और इसमें हम उछाल भी अच्छा खासा देख सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों ये था क्विक अपडेट ऑन BTC, उसके साथ हमने एप कॉइन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है, BTC में कौन कौन से लेवल हो सकते हैं, फाइनल ब्रेकआउट लेवल क्या हो सकता है नीचे की तरफ का, अगर वो टूटता है तो हम कैपिचुलेशन जोन के अंदर आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, और एप कॉइन जो है उसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। अगेन दिस इज़ ऑल माई ओपिनियन व्हाट आई सी ओवर द चार्ट, आप ट्रेड करने से पहले इन सब चीज़ों को खुद भी चार्ट्स पे देखना समझना, मार्केट के माहौल को देखना, इंटरनेशनल मार्केट को देखना, ग्लोबल इकोनॉमी को देखना, स्टॉक मार्केट को देखना, सब कुछ सही लगे तभी आप इसके अंदर एंट्री लेना। याद रखिए क्रिप्टो हो फॉरेक्स हो या स्टॉक मार्केट हो, ट्रेडिंग जो होता है वो काफ़ी रिस्की होता है अगर उसे सोच समझ के ना किया जाए। आँख बंद करके किया कि भैया उसने 50x ले लिया, इतना अच्छा खासा प्रॉफिट मारा है, स्क्रीनशॉट भेज रहा है, और हम स्क्रीनशॉट कैसे नहीं भेजें, हम भी 100x करेंगे, ठीक है हम भी स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि हमको इतना मुनाफा हुआ है, ऐसा खेल मत करो। ओके सुलझे हुए तरीके से ट्रेड करो, 4-5 दिन भले ट्रेड मत करो, 4-5 दिन भले सोचने में लगा दो क्या करना है क्या नहीं करना है, और 6ठे दिन ट्रेड करो। ठीक है तो इस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर ठोक देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोगों से मिस ना हो। जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।